अगले वाला एक जो वीडियो बनाया था मैंने, जो नतुला का वीडियो, उस टाइम ही आप लोग को बोला था स्नोफॉल फिर होगा नतुला चंगुले का तरफ में, तो पीछे में देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा जो स्नोफॉल हुआ है। ये वीडियो आज से ये डेट का है जो मैंने मेंशन करके रखा हूँ। और अगले वाला जो एक वीडियो डाला था नॉर्थ सिक्किम का, वो लेट से अपलोड होने का कारण से फिर मैं आज थोड़ा लेट से डाल रहा हूँ। 7 तारीख का वीडियो ये, और आज नतुला नहीं जा पाया और बाबा मंदिर का तरफ भी नहीं जा पाया, और सिर्फ छंगुलिक तक ही दिया है। तो स्नो वगैरह देख ही सकता है अभी छंगुलिक में बहुत सारे स्नो है, तो मैं ऊपर का तरफ भी आप लोग को ले जाऊंगा, ऊपर छंगुलिक में कितना स्नो है, वहाँ पर फ्लावर वगैरह कितने वही सभी आप लोग को आज दिखाने वाला हूँ। लेकिन वेदर अभी सिक्किम का तरफ 2-3 दिन खराब ही दिखा रहा है, शायद स्नो आप लोग को जरूर मिलेगा ये जो मई महीना तक ही। गाड़ी नीचे छोड़ के आया हूँ, बहुत ही ट्रैफिक हो गया था, इसलिए मैं अभी छंगुलिक में हूँ। छंगुलिक अभी इस टाइप का दिखने मिल रहा है, पूरा स्नो आया कल। ये जो मैं बार बार बता रहा हूँ, 7 तारीख का वीडियो है मेरा, दूसरा वीडियो लेट से जो अपलोड हुआ था, इसलिए मैं 8 तारीख को डाला हूँ ये वीडियो। और छंगुलिक का अभी इस टाइप का दिखने मिल रहा है, नज़ारा बहुत ही अच्छा, और स्नो पूरा है छंगुलिक में। 2-3 दिन तक यहाँ पर वेदर खराब दिखा रहा है, शायद रह सकता है स्नो यहाँ पर अभी 2-3 दिन तक, और हो सकता है आज शाम को भी यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। 80% जो वेदर खराब दिखा रहा था, नथुला का तरफ पूरे बाउन होने का कारण ये है, देख ही सकता है स्नो आगे में। 6 तारीख को जितना भी जो लोग यहाँ पर आया था, एकदम स्नो कहीं भी नहीं मिला था, नथुला में और बाबा मंदिर छंगुलिक में, सब लक के ऊपर में रहता है। लेकिन मई महीने तक यहाँ पर जरूर स्नो रहेगा, आप लोग मई महीना तक बेफिक्र आइए यहाँ पर। अभी मैं आगे का तरफ उस तरफ से ले जाऊँगा, वहाँ पर फ्लावर कितने आगे में वही दिखाने के लिए मैं आगे का तरफ ले जा रहा हूँ। दिल से तुम्हें कहना है, कहीं खो गए हैं, मिलेंगे हम कहां, आँखों में चमक है। अभी बराबर उस पार से मैं इस पार आया हूं, क्योंकि पीछे में स्नो देख ही सकता है पूरा, आज पूरा स्नो देखने मिल रहा है छंगुले का तरफ में, देख ही सकता है पूरा। तो मैं थोड़ा आगे तक जाऊंगा, आगे इसलिए जाऊंगा कि वहां पर फ्लावर वगैरह भी था, और नॉर्थ सिक्किम में जो फ्लावर देखने मिलता था आप लोगों को, वही फ्लावर ये जो आगे में भी देखने मिलेगा, इसलिए मैं ये जो पूरा रास्ते में दिखा दिखा के आप लोगों को ले जाना चाहता हूँ। तो नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ तक के आने के लिए भी बहुत ही अच्छा जो नज़ारा वगैरह देखने मिल रहा है, पूरा स्नो देख ही सकते हैं जो ब्लेस रोड में। मैं दिखा दिखा के आगे का तरफ ले जाऊँगा आप लोग को, आगे में फ्लावर कितना है वही दिखाने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। छंगुले का नज़ारा कुछ इस टाइप का देखने मिल रहा है, नथुला टोटली बंद है, और बाबा मंदिर का तरफ भी हो सकता है कल खुलेगा 8 तारीख को। ऐसे तो 4-5 दिन तक यहाँ पर वेदर बहुत ही खराब दिख, लेकिन जितना भी दिख रहा है ना ये अभी जो मेन स्नो नहीं रहता है, सारा ओले है, गोल गोल आता है हिल स्टोन, लेकिन आप लोग के लिए तो सारा स्नो है, आप लोग घूमने आएगा तो ये नहीं, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैक्सिमम ऐसे सफेद तो दिखना चाहिए, यही देखने के लिए लोग यहाँ पर जो चले आता है स्नो है बोलते, जो 12,000 हाइट है छंगुले, नथुला 14,000 और बाबा मंदिर 13,000। अभी ऊपर ऊपर में फूल तो देखने मिल रहा है, मैं ऊपर तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा जहाँ पर रास्ते में मिलेगा वहाँ पर दिखाने के लिए आप लोग को। तो नज़ारा देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है छंगुले का। ऐसे तो वीडियो बनाने के लिए मन नहीं था आज, कल ही मैं नॉर्थ सिक्किम से आया था और बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा था रास्ते में, तो वहाँ जो नॉर्थ सिक्किम का तरफ बारिश हो गया इस तरह, फिर ओले गिर गया, तो आज भी लड़का ऊपर रहा आप लोग को दिखाने के लिए, मैं वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ तक आने के लिए मेरे को मिला। और ये जो देख ही सकते हैं अभी पूरा ओला, ये जो मैं थोड़ा आप लोग को खिला के दिखाता हूँ, ये सारा गोल गोल टाइप का है, देख ही सकते पूरा गोल वाला जो होता है, मेन होता है पाउडर का तरफ का रहता है, लेकिन ये देख ही सकते हैं जो गोल गोल पूरा ये सारा ओले है, ये देख ही सकते हैं, ये पूरा टोल जैसा, मतलब अभी का स्टेम में सारा ऐसे आता है। मैन जो सॉफ्ट वाला स्नो नहीं आता है, क्योंकि अभी गर्मी भी चढ़ रहा है। मैन ये जो लास्ट महीना तक आप लोग को देखने मिलेगा स्नो, जैसे मई लास्ट तक, मई के बाद पूरा फिर यहाँ पर भी बारिश होना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आसपास में जो फूल दिखने मिल रहा है, फूल जैसे यहाँ पर खत्म हो जाएगा वैसे फिर बारिश शुरू हो जाएगा। फूल है रोरे रेंडे, जैसे नॉर्थ सिक्किम में भी सेम ये जो देखने मिलेगा, अभी जो ओले आने का वजह से इसको सारा तोड़ दिया फूल का, लेकिन जो पीछे वाला जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा जो देखने मिल रहा है, लेकिन फूल का उतना नहीं है जितना भी जो मूछ आया हुआ है, क्योंकि सारा जो खराब हुआ है देख ही सकते हैं ओले का वजह से, जितना जो टोल का साइज का जो ओले गिर रहा है यहाँ पर अभी, तो जितना भी जो फूल है सारा तोड़ दिया कल, तो अभी फूल देखने नहीं मिल रहा है, पूरा फूल देखने मिलता था यहाँ पर, तो आगे में और देखने मिलेगा तो आप लोग को जरूर दिखाना चाहता हूँ। और लेकिन ये जो फूल अभी यहाँ पर है थोड़ा थोड़ा, यहाँ ये सारा ओले तोड़ दिया बेचारा को, ये देख लो थोड़ा थोड़ा फूल अभी देखने मिल रहा है, लेकिन नज़ारा पीछे का तरफ बहुत ही अच्छे देखने मिल रहा है हिमालय वगैरह का। तो इधर खराब है, शाम को फिर यहाँ पर स्नोफॉल हो सकता है। अगले वाला जो वीडियो में भी आप लोग को बोला है, वहाँ जो रोड में छोड़ेगा ड्राइवर लोग, वहाँ पर ही तक आके आप लोग को वापस नहीं जाने का, इस टाइप जरूर लाना, इस टाइप आएगा तो आप लोग इस तरफ का देखने मिलेगा पूरा स्नो और साथ साथ में फ्लावर, और ये जो नज़ारा
छंगुले का नजारा जो हिमालय का ऊपर ऊपर बहुत ही अच्छा देखने मिलता है, देख ही सकते हैं। तो मैन तो ये छंगू लेक में अभी स्नोफॉल ताजा ताजा है, स्नो वगैरह, और आप लोग भी आएगा तो जरूर स्नो मिलेगा। दो तीन दिन तक यहाँ पर वेदर खराब है, ये जो 7 तारीख का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरा अभी नेटवर्क थोड़ा अच्छा नहीं, इसलिए मैं लेट से जो 8 तारीख को जो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग शायद एक दिन लेट से देख रहा होगा। 2-3 दिन तक यहाँ पर वेदर बहुत ही खराब है, मतलब आप लोग को जरूर यहाँ पर 2-3 दिन तक स्नो जरूर मिलेगा, नथुला खोलेगा नहीं खोलेगा आप लोग को वो भी जरूर बीच में अपडेट दूंगा मैं आप लोग। ऐसे तो अभी 10 तारीख तक, मई 10 तारीख तक जो सिलगढ़ी का जो हाईवे वो बंद करके रखा है, आप लोग को आते समय दार्जिलिंग से घूम के आना पड़ेगा, जाते समय फिर लाबालोली गाँव होके जाना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे दार्जिलिंग से आएगा तो आप लोग को 6 घंटा मैक्सिमम लगेगा गैंगटोक पहुँचने के लिए, जैसे गैंगटोक से वापस आप सिलगढ़ी जाएगा 7 से 8 घंटा जरूर लगेगा सिलगढ़ी पहुँचने के लिए। अभी जो बीच का जो हाईवे है, मेन जो हाईवे गैंगटोक टू सिलगढ़ी का, वो भी बंद है, तो साथ साथ में नथुला का भी बंद है। नथुला का जैसे खुल जाएगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, लेकिन जो मेन जो सिलगढ़ी का जो हाईवे 10 तारीख को खुल जाएगा मैन, वहाँ पर जो कारपेटिंग करने के लिए अभी रास्ता बंद करके रखा है बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अभी मैं थोड़ा बैठा हूँ क्योंकि मेरे को ब्लीडिंग हो रहा था, ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि ये जो 12,000 हाइट ही है, यहाँ पर भी जो स्नोफॉल होने से जो ठंडा हवा आता है इसका कारण से चल नहीं सकता। मैं बहुत ही आगे से आया था उस तरफ से, मैं अभी थोड़ा ऊपर में आया हूँ। यहाँ पर जो पीछे में जो फ्लावर वगैरह देखने मिल रहा है, आप लोग को फ्लावर दिखाने का कोशिश करूँगा, लेकिन ओले का वजह से सारा टोड़ा हुआ है। बहुत सारा जो फ्लावर दिखने मिल रहा था 2-3 दिन पहले, स्नो तो नहीं था यहाँ पर, लेकिन फ्लावर बहुत ही अच्छे दिखने मिल रहा था, जैसे नॉर्थ सिक्किम का तरफ पर जो रोडोडेंड्रन वगैरह दिखने मिलता था, सेम जो फ्लावर ये सारा जितना भी अभी जो झाड़ी दिख रहा है ये सारा जो फ्लावर वही, लेकिन अभी जो ओले का वजह से फूल नहीं। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा ऊपर जाके आप लोग को दिखाने का, लेकिन अभी जो स्नो वगैरह देख ही सकते हैं यहाँ पर एकदम फ्रेश फ्रेश स्नो, मैं थोड़ा बैठा हूँ ये देख ही सकते हैं पूरा फ्रेश फ्रेश मिक्स है, कोई जगह मतलब ओले भी है बड़ा बड़ा, कोई जगह एकदम फ्रेश स्नो भी है। शाम को ज़्यादा वेदर खराब ही दिखा रहा है, आज भी जरूर यहाँ पर स्नोफॉल फिर होगा, शाम को छोड़ के तो 2-3 दिन तक यहाँ पर जो वेदर खराब है, लेकिन सीनरी वगैरह बहुत ही अच्छा दिखने मिल रहा है। जितना भी आज जो 7 तारीख को यहाँ पर जो छंगुली घूमने वो लोग लकी है, क्योंकि कल तक जो मतलब मैं सुनने में आया कि जो कल तक जो स्नो एकदम ही नहीं था, मैं तो नॉर्थ सिक्किम जाके आया था, आप लोग 0 पॉइंट का वीडियो दिखाया होगा, नहीं दिखा तो नीचे जाके जरूर देखना, मैंने थोड़ा फनी वीडियो भी बनाया, जैसे मेरे साथ जो लोग घूमने गया था वो लोग का साथ भी मैंने जो वीडियो बनाया था, लेकिन अभी छंगुली का जो नज़ारा वगैरह इस टाइप का है, पूरा स्नो रह जाएगा आप लोग को मैक्सिमम ये जो 7 दिन तक ये जो स्नो रह जाएगा, ऐसे स्नोफॉल भी नहीं हो गया तो जरूर मिलेगा, लेकिन वेदर खराब दिखा रहा है 2-3 दिन तक यहाँ पर, तो इसका मतलब आप लोग को 1 महीने ये पूरे मई महीने तक आप लोग को जरूर स्नो मिलेगा यहाँ। ज़्यादा देर नहीं करूँगा और जो मेन फ्लावर दिखाने के लिए मैं ऊपर का तरफ ले जाऊँगा आप लोग के लिए, और स्नो तो देख ही लिया होगा छंगुली में कितना स्नो है, आप लोग को जरूर मिल जाएगा, बेफिक्र आ जाएगी। मैं अभी फ्लावर दिखाने के लिए थोड़ा जंगल का अंदर ही घुस जाऊँगा, और यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखने मिल रहा है जो रोडोडेंड्रन वगैरह ये वाला देख ही सकते हैं अभी, ये जो कलर कलर का रहता है यहाँ पर 2-3 कलर का देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक ही कलर का ज़्यादातर देखने मिल रहा है लाल वाला। नॉर्थ सिक्किम में भी सेम यही मिलेगा आप लोगों को, जितना भी जो झाड़ी दिख रहा है सारा फ्लावर का है, आप यकीन नहीं करेगा, लेकिन ओले का वजह से ये सारा देख ही सकते, ओले का वजह से सारा फ्लावर टूट दिया, पूरा स्नो में फ्लावर है, पूरा नीचे दबा हुआ है फ्लावर, लेकिन एकदम ट्री में एकदम फ्लावर ही है नहीं, बेचारा सारा तोड़ दिया, तो देख ही सकते हैं अभी स्नो बहुत ही ज़्यादा है आप लोग को। ये जो स्नो है महीने दिन तक ये झाड़ी के अंदर में आप लोग को जरूर मिल जाएगा, आप लोग को छंगुले में स्नो नहीं मिला नीचे का तरफ, तो ये जो झाड़ी के अंदर में आ जाइए, तो यहाँ पर ये जो सफ़ेद वाला फ्लावर भी है ये वाला सारा तोड़ दिया कम है, और ये वाला भी ये पूरा ज़मीन में गिरा हुआ है, देख ही सकते हैं ओले का वजह से सब टूट गया, ये जो स्नो 1 महीना पूरा रह जाएगा ये जो झाड़ी का अंदर। अगर आप लोग भी इस तरफ घूमने आ रहे हैं तो एक बार जरूर ट्राई करना, ये जो झाड़ी का अंदर में आ जाएगा पूरा स्नो मिल जाएगा, और इसको हम लोग चिम्बल बोलते हैं ये, लेकिन यही जो अच्छा देखने मिल रहा है अभी फ्लावर, पूरा फ्लावर था जो पहले वाला एक छंगू का वीडियो बनाया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं, और नीचे का तरफ देख ही सकते हैं पूरा स्नो, और लोग उस तरफ जो लेका पास में गया हुआ है, मेरा सांस भी फूल रहा नहीं बोल पा रहा हूँ, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो लेक का पास में जो लोग गए ना यहाँ पर कभी जाने का कोशिश मत करना, जो पत्थर से फिसल जाएगा नीचे तो लेक के अंदर में सीधा घुस जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ ये पवित्र लेक है, इसमें गंदा करने का नहीं रहता है, हम लोग इसको पवित्र को बचा के रखने का ज़्यादातर कोशिश करते हैं। तो अभी फ्लावर तो दिखाने के लिए आ गया था यहाँ पर, फ्लावर उतना नहीं सारा ओले तोड़ दिया, मैं फिर सीधा गाड़ी का तरफ जाऊँगा। जितना भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो आप लोग को पता है मैं एक ड्राइवर हूँ, और कोई नया देख रहा है तो मैं एक ड्राइवर हूँ सिक्किम का, इसलिए मैं सारा सिक्किम का वीडियो बना के दिखाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कितना स्नो है और वेदर वगैरह कैसे
और साथ साथ में यहाँ पर नजारा वगैरह कैसे देखने मिलता है, इसलिए मैं सारा सिक्किम का वीडियो वगैरह बिलोंग करता हूँ। तो ज्यादा देर नहीं करूंगा, अभी सीधे गाड़ी का तरफ जाऊंगा, क्योंकि जो लोग लेके आए हैं, दो ही लोग लेके आए था, और लोग तो रोपे का तरफ गया है। तो मैं इस तरफ जो वीडियो बनाने लेके आया था, शायद हो सकता है वो जल्दी चली जाएगा उस तरफ, ज्यादा ही ठंड लगेगा, क्योंकि प्लेन साइड से जो आता है तो चंगुली 12,000 हाइट में थोड़ा ठंड ज्यादा लगेगा ना, इसलिए वो वापस गाड़ी का तरफ भी जा सकता है, इसलिए मैं भी गाड़ी का तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये जो दिखा दिखा के ले जाऊंगा। नजारा वगैरह ऐसे बहुत ही खूबसूरत देखने मिल रहा है। ये जो छंगू लेक का लास्ट पॉइंट, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप लोग को, उस तरफ जो गाड़ी छोड़ेगा आगे में, तो आप लोग यहाँ तक चल के जरूर आए, यहाँ पर आएगा तो व्यू वगैरह बहुत ही अच्छा देखने मिल रहा है। अभी जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो मैं डाल के आप लोग को आगे तक दिखा दिखा के ले जाना चाहता हूँ, रास्ते में नजर किस टाइप का देखने मिल रहा है। कुछ नहीं रहूं तुमसे जुदा, दिल का सुकून बस ये प्यार कहाँ ले जाएगा मुझको, छोड़ के मुझको जाने क्यों, तूने किया यादों का जुनून, हर पल तुझको ही सोचता हूँ, कैसे सहूं ये दूरियां तन्हाई की, कभी अलविदा न कहना दिल का ये अफसाना, कभी अलविदा न कहना प्यार की ये थाना, कभी अलविदा न कहना दिल का ये अफसाना, कभी अलविदा न कहना प्यार की ये थाना। अलविदा कैसे कहूं तेरे बिना, कुछ नहीं रहूं तुमसे जुदा, दिल का सुकून बस ये प्यार कहां ले जाएगा मुझको, छोड़ के मुझको जाने क्यों, तूने किया यादों का जुनून, हर पल तुझको ही सोचता हूँ, कैसे सहूं ये दूरियां तन्हाई की, कभी अलविदा न कहना दिल का ये अफसाना, कभी अलविदा न कहना प्यार की ये थाना। जो म्यूजिक सुन रहा था AI जो एप्स ने मैंने जो बनाया था, इसलिए आप जो सुनने मिला है उसमें कॉपीराइट वगैरह भी नहीं आता है। तो आप लोग को भी अगर म्यूजिक वगैरह डालना है तो AI म्यूजिक में जाके जरूर ट्राई करना, आप भी ये जो म्यूजिक डाल सकता है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो आज का वीडियो ऐसे था, स्नो कितना था यहाँ पर, फ्लावर वगैरह कितना था, इसलिए मैं जो वीडियो बनाया था। तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा होगा, मैं ये जो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, तो ये वीडियो यहीं पर रखना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।